नमस्कार, मेरा नाम भुवन चंद्र जोशी है। मैं लगभग 28 वर्षों से अध्यापक का कार्य कर रहा हूँ। मेरा जिला सिरमौर से संबंध है। मैं जिला सिरमौर में रहता हूँ। इसकी जिला मुख्यालय नाहन है। मैं नाहन का रहने वाला हूँ। मेरे जिले में महिला शिक्षा दर राष्ट्रीय शिक्षा महिला दर से कम होने के कारण जिला शिक्षा कार्यक्रम यहाँ चलाया गया। इसमें हमारे जिले का बहुत लाभ हुआ। नए नए विद्यालयों की स्थापना हुई। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बहुत अच्छा हुआ। आज बहुत अच्छा हमारे जिले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे अध्यापक बहुत गुणी हैं, योग्य हैं। मैं राजिला एक पहाड़ी जिला है जिसका बहुत कम भाग मैदानी है, शेष भाग पहाड़ी है। यातायात के साधन अब लगभग सभी जगह तक है, परंतु अभी भी 20% विद्यालय ऐसे हैं जहां तक किसी प्रकार रोड से कोई संपर्क नहीं है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला कन्या नाहन में JBT अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। मेरे स्कूल में 68 बच्चे हैं। मैं अपने जिले पर और अपने विद्यालय के बारे में कहूं, ये जिला मुख्यालय में है और यहाँ पर जो मेरी मुख्य समस्या भी है कि हमारे स्कूल में नाहन के अति निर्धन बच्चे और जिला मुख्यालय होने के कारण इस जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में नाहन आते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा कार्य करते हैं। उनकी महिलाएं घरों में साफ सफाई का कार्य करती हैं और वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए और अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की उपजाऊ शक्ति तो अधिक है, परंतु जंगली जानवरों का प्रकोप इतना अधिक हो गया, पानी की असुविधा, कृषि के नए संसाधनों का ना लागू हो पाने से और खेतों का बहुत छोटा आकार होने से दुर्गम जीवन के कारण वो नाहन शहर में कार्य करते हैं। इस कारण दुर्भाग्यवश जो COVID-19 की महामारी, वैश्विक महामारी के कारण मेरे विद्यालय में अभी तक मुझे बच्चों से मिलने का अवसर नहीं मिला। ऑनलाइन माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। मेरी ये समस्या रही कि मैं किस प्रकार उन अभिभावकों से, माता पिता से अब बच्चों के साथ जुड़ूं, उनकी समस्याओं को समझूं, क्योंकि वो यहाँ की कच्ची बस्तियों में एक एक कमरे के घर में चार चार पांच पांच लोग सब परिवार रह रहे हैं। ये मेरी समस्या थी कि उन बच्चों का मैं किस प्रकार अच्छे से शिक्षण कार्य कर सकूं। इसके लिए मैंने कोशिश की। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा संचालित शून्य नवाचार कार्यक्रम के बारे में सुना और मुझे सुअवसर मिला कि मैं यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी समस्याओं का कुछ निराकरण कर सकूं, तो मुझे पता लगा
कि सुनने नवाचार माध्यम से भी बड़े अच्छे ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मैंने इस प्रशिक्षण से यह सीखा कि किस प्रकार बच्चों के द्वारा जो पूर्व ज्ञान है उसी में कंसेप्ट मैपिंग के द्वारा उस पूर्व ज्ञान को ही आधार मानकर उन्हीं के द्वारा उन्हीं से उन्हीं के परिवेश में उन्हीं को जो ज्ञात है एक अच्छे ढंग से पाठ्यक्रम के साथ समायोजित कर उस बच्चों के साथ रखूं। मैं इस शून्य नवाचार के माध्यम से हमारे प्रभारी श्री विजय तिवारी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन माध्यम से शून्य नवाचार से संबंधित को पाठ्यक्रम से जोड़ा और हमारी कई समस्याओं का शंकाओं का निराकरण किया। श्री तिवारी जी संगम क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी मृदुता, अपनी सौम्यता और अपनी विद्वता के त्रिमयी संगम से हमें ज्ञान अर्जित किया, हमारे सभी संशयों का निराकरण किया। उनकी वाणी इलाहाबाद के अमरूदों की तरह मिठास और हमारे संशय रूपी जो हमारी समस्याएं थी उसका भीषण गर्मी में जिस प्रकार इलाहाबाद के जो सत्तू हैं उसका जब हम पाचन करते हैं, सेवन करते हैं, जो आत्मीयता, तृप्तता और मधुरता का अनुभव होता है वो आपके माध्यम से हुआ। मैं जब भी हमें ऑनलाइन माध्यम से तो अभी हम रेडीमेड कंटेंट प्रोग्राम जो हमें हमारे प्रदेश से उपलब्ध हो रहा वही बच्चों को भेज पा रहे हैं। जब भी मुझे कक्षा में या ऑनलाइन माध्यम से बच्चों से वार्ता करने का प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो मैं निसंदेह शून्य नवाचार के कार्यक्रम को जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है उन्हीं के द्वारा उन्हीं के पूर्व ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़कर मैं बच्चों को ही रखूंगा ताकि उनके मन में विषय का पूरी तरह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह वो समझ पाए। और इसके अतिरिक्त मेरा स्कूल रोल मॉडल है क्योंकि श्री अरविंदो सोसाइटी ने इसे यहाँ से मुझे एक चयन किया है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना मंच दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आप सभी महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।